सरकारी विद्यालय की बात आती है तो आपके जहन में खंडहर नुमा टूटा फूटा जर्जर सा विद्यालय की छवि सामने आती होगी, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं रोहतास के तलौथू का एक ऐसा विद्यालय जहां प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी विश्वविद्यालय या फिर कोई बहुत बड़ा निजी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत का शिक्षक नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गीता उपनिषद और वेदों का अध्ययन करते हैं और इसका व्यापक और सुंदर कैंपस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कतारबद्ध सुंदर सुंदर पेड़ और क्यारियों में लगी फुलवारी इस विद्यालय को विशेष बनाते हैं। सबसे बड़ी बात इस ये विद्यालय 1932 में स्थापित है और अपना 90 साल गुजार चुका है, लेकिन आज भी इसके किलानुमा भवन इसकी विशेषताओं की गाथा कहती है। जानकार बताते हैं कि इस भवन में अंग्रेजों की कचहरी लगती थी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सुदूर क्षेत्र में चल रहे विद्यालय में आप आए हैं इस चीज़ की जानकारी लेने। हमने जो विद्यालय में चौमुखी विकास किया है उसमें मेरी पूरी विद्यालय प्रबंधन जो कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों की अहम भूमिका है और सारे लोग डिवोटी होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जिन भी शिक्षकों की जिम्मेवारी दी जाती है वो 100% अपने जिम्मेवारी को मैंने ससमय निभाते हैं और जो विकास हमने किया है इसमें विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के जो चेयरमैन रहे हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। सब बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमारा 2-3 गार्डन भी है और बगीचा भी, यहाँ पे पेड़ पौधे और अनेक तरह के फूल भी हैं यहाँ पे, और इनकी साफ सफाई के लिए हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर ने माली भी रखा है और हमारे स्कूल का सभी रूम्स बहुत अच्छे हैं और सबका साफ सफाई होते रहता है।